राहुल राज सिंह फिर से एक बार कंट्रोवर्सी, फिर से एक बार न्यूज़ में आ गए हैं, पर इस बार मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है फिर से। तो उनकी बहन है हमारे साथ साइला चड्ढा, कुछ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो इंजरी है किस तरह से हुई, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने राहुल का नाम लिया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है ये सो कॉल्ड मीडिया हंग्री फ्रीक्स के लिए। और जब देखो राहुल के पीछे लोग पड़े रहते हैं, दीज वेमेन फॉल्स केसेस करते रहते हैं, नॉनसेंस करते रहते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि राहुल ने कुछ भी नहीं किया है इसमें, तो वी आर द विक्टिम्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम विक्टिम्स हैं। और उस रात को भी यही हुआ कि हम एक गेट टुगेदर में गए थे, और जब मैं वहाँ गई तो कुछ लोग जो एंट्रेंस पे ही, कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, उनमें से ये आदमी था जो मैं नहीं जानती थी कौन था ये, तो ये खड़ा था किसी के साथ जिसको मैं जानती हूँ। तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू मुझे बोलता है, अच्छा साहिला जी, लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी एंड ऑल, लेट मी नो व्हाट आर योर चार्जेस एंड ऑल दैट। आई सेड, व्हाट शिट यू टॉकिंग, यू हैव एनी सेंस, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू? I said, you know my name and you don't know who I am. I said, then how you talking like this? I said, don't you dare talk like this. Rahul ne sun liya. He was a little back. He came and said, mere Saila di ke sath tu kaise baat kar raha hai? Kya? He started abusing. That fellow started abusing Rahul and me. I said, Rahul, we don't need to get into this. Let's leave. We went up to the get-together on the first floor in Bora Bora. And it was a birthday cake-cutting ceremony which we had gone for. कॉमन फ्रेंड्स मदर्स थिंग इट वॉज। तो हम ऊपर गए वहाँ पे, और जब हम ऊपर वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद आई वॉज अ लिल अनइजी विथ व्हाट हैपेंड, एंड राहुल भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। हम जैसे निकलने लगे सीढ़ी पे हम पहुँचे, एक लड़की आई और हम दोनों का रास्ता रोक दिया। एंड शी सेड, यू कांट लीव। एंड आई सेड, व्हाई कांट वी लीव? नो, यू गो बैक इन। I said, no, we will not go back. We try to go ahead. Oh, she kept on stopping away. कि नहीं, आप नहीं जा सकते आगे। मैं, why can't we go ahead? You can't go ahead. I said, why can't we go ahead? So she came to close to me. I said, stay back and talk. Why are you talking? So she went close to Rahul. I said, no. मैंने हाथ बीच में ढाल की तरह मैं खड़ी हो गई। मैंने, नहीं, you cannot touch him and you cannot go close to him also. I said, why? What are your intentions? I said, जो भी बात करना दूर से बात करें। She started abusing and अगेन शी केम अ लिटल टू क्लोज। सो मैंने उसको, नेचुरली सेल्फ प्रोटेक्शन है, ज़्यादा क्लोज इंसान आएगा तो मैं धक्का मारूंगी। तो मैंने, बिकॉज इट वॉज स्टेयर्स, आई डिड नॉट धक्का मारा, आई जस्ट पुश्ड अ लिटल अवे। सो दो स्टेप वो नीचे गई, बिकॉज शी वेंट लाइक दिस, सो शी वेंट 1-2 ऐसे करके नीचे आ गए। तो जब वो नीचे आई है, सडनली शी वेंट मोर डाउन, रिमूव्ड हर, वो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हील था। आई थॉट सम शार्प वेपन और समथिंग अर्लियर, बट बाद में पता चला कि इट वॉज अ हील। शी केम एंड शी स्ट्रेट केम टू अटैक बोथ ऑफ अस। शी केम रनिंग अप द स्टेयर्स एंड शी केम टू अटैक अस, एंड इट्स ऑल देन द CCTV कैमरा। एंड व्हेन शी केम, ऑब्वियसली आई वॉज प्रोटेक्टिंग राहुल ऑल्सो एंड आई वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, बट इन दैट दिस थिंग शी केम एंड शी जस्ट अटैक्ड माई फेस स्ट्रेट अवे, एंड शी जस्ट हिट मी, एंड आफ्टर दैट शी कॉट माई हेयर एंड घसीटेड मी डाउन। देन आई हैड टू कैच हर हेयर टू, आई was groping to catch something, her hair came in between mine. So I caught her hair, and there were a lot of people on her side who were scuffling, and in that, while catching my hair also, with the other hand she tried to tear my clothes. So I had to protect myself, jahan ye nishan bhi hai, abhi bhi hoga, slight nishan is still there. But you know, she literally tried to, and I had to, like, you know, ek haath mein baal chhudwa rahi hoon ek haath ke, and I was like, literally, general circumstances, I am not the person who, I am a trained, you know, fighter. I could have easily, if I wanted to hurt her, when I pushed her, I could have thrown her, she would have probably been, you know, hurt her back or something. But my intention was not there, we were protecting ourselves in self-defense. But she came and... ये जो fight है, इसमें राहुल का नाम किस तरह से involve हुआ? क्योंकि हमने सुना कि राहुल ने molest किया है उस लड़की को। बिल्कुल भी नहीं, राहुल ने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाने दिया राहुल को।
उस और राहुल ने तो उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया है, ये फॉल्स कंप्लेंट है। मेरा FIR पहले दर्ज हुआ है जिसमें मैं खूना खून हुई हूँ, उसके ऊपर जब उन लोगों ने मेडिकल किया उसमें एक खरोज भी नहीं आई है, कुछ नहीं। वो पूरे कपड़े के साथ CCTV फुटेज अगर आप बुरा बुरा में भी देखेंगे, पुलिस स्टेशन का भी CCTV फुटेज मांगेंगे सैटरडे नाइट का, उसमें भी है जहाँ ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि शी इज़ टोटली ओके। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हम विक्टिम्स थे वहाँ पे। और उसके बाद भी वहाँ पे जो उसके साथ जो आदमी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी वो आया ऊपर, हमें नहीं पता था कि ये लड़की उसके साथ थी, क्योंकि पहले हमने देखा नहीं था कि वो उसके साथ है या किसके साथ है। फिर उसने भी थोड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, फिर वो गया, ही वेंट रनिंग टू अटैक राहुल। राहुल को बाउंसर्स ने पकड़े हुए थे कमर से और दोनों हाथ पकड़े हुए थे, तो राहुल मुझे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया दैट मोमेंट। लेकिन जब वो आया और उसने धक्का मारा राहुल को, तो राहुल गिलते गिरते राहुल ने एक लात मारी उसको अपने प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में, वो आदमी को। वो लड़की तो मेरे साथ थी और लड़की तो मुझे मोलेस्ट कर रही थी और मुझे अटैक करके मेरे को उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, हम दोनों को। शी हैज़ लिटरली असॉल्टेड अस एंड डन एन अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे साथ। तो ये अगर कोई अगर बोल रहा है ये टोटली फॉल्स, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ कि ये 5000% फॉल्स कंप्लेंट है। मुझे इतनी बुरी तरह से मार लगी हुई है यहाँ पे, और मैं क्या, ऐसे लग रहा है कि मैं, ये आज चौथा या पांचवा दिन है, मैं तो डेट भूल गई हूँ, दिन भूल गई हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। यानी साइला जी आप ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी वो कुछ शायद स्टंट करना चाह रही, या तो उसने देखा है राहुल है, तो मेरे को सिर्फ यही लग रहा है कि या तो किसी ने उसको भेजा है हमें मारने के लिए, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर, इट कुड बी एनीवन हु इज आफ्टर राहुल एंड मी। मेरे को तो यही लग रहा है कि कोई किसी ने या तो इसको भेजा है, या तो इसको कोई मीडिया में आना है या कुछ है। लेकिन इतना मतलब इतना सारा एंगर और इतना सारा विंडिक्टिवनेस जो है कि आप एक्टर के मुंह पे, आप सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्टर के होते हैं फेस, और आप फेस पे मार रहे हैं, वो भी आप अगर हील आप एक जूता निकालते तो आप सीधा जूता निकालते, इसने सीधा उतार के टेढ़ा किया विद द इंटेंशन टू हिट और किल। ओके, नाउ व्हाट एवर इंटेंशंस आई डू नॉट नो, बट मैंने ज़िंदगी में इस औरत को कभी देखा नहीं है, राहुल की भी दोस्त नहीं है। तो किसी पे शक है आपको कि कौन कर सकता है, कौन भिजवा सकता है? मेरे को शक तो बहुत लोगों पे है, लेकिन मैं उनको इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती बोल के मीडिया में। ये पुलिस और मुंबई पुलिस और जुडिशल सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा है, तो अगर किसी ने इसको पुटअप किया या ये मीडिया हंगरी होने के चक्कर में बिग बॉस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो कोई इसको जानेगा नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे मीडिया फ्रीक, हंगरी फ्रीक आते हैं, स्ट्रगलर्स एंड एक्टर्स एंड ऑल, तो इसको एक मौका मिल गया तो उसके वजह से। लेकिन आई विल स्टिल नॉट लीव हर बिकॉज she has injured, she has come to assault me, come with an attempt to murder us, which is in the law also wrong, and even morally wrong, ethically wrong, illegally wrong, every way mein it is wrong, and I'm a woman on top of it, I'm the only bread earning member, is she going to sit and feed me tomorrow if I don't have work, if I have nothing, who is going to take care of me, or what is going to happen, and is it right to make Rahul a target when he is not even touched her? She has done all the wrong and she is putting a false game. Police should take action against all these people who are making false, the people who are making false claims and false cases डाल रहे हैं, पुलिस का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सबका टाइम, दिस इज नॉनसेंस। आप अगर लड़की हो तो आप लॉ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हो आप, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन यू कैन नॉट टारगेट हिम, इट इज़ रॉन्ग। So I am very upset. I would never come in front of the media. मेरी हालत, because actor अगर ऐसा कुछ होता है तो generally actors छुपते हैं, वो नहीं चाहते कि मीडिया में पता चले कि हमारे मुंह पे एक दाग भी लगा हो। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा कि राहुल को मोलेस्टेशन का चार्ज, जब राहुल ने हाथ तक नहीं लगा और मैं बीच में आई थी कि मैं हाथ भी ना लगे, वो लड़की तक उसको हाथ ना लगा पाए, तो सवाल ही नहीं उठता है। एंड दिस इज ऑल क्लियर इन द CCTV फुटेज विच द पुलिस हैव ऑलरेडी टेकन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है पुलिस भी इसकी जांच अच्छी तरह करके दे टेक द राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। कैमरामैन दीपक के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।